हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एशियन पेंट्स के लिए एक नई खबर आपके सामने आ रही है और जिसकी वजह से एशियन पेंट के शेयर को धक्का लग सकता है। अगर आप एशियन पेंट में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एक मौका भी हो सकता है। तो ये देखिए, 1,92,00,000 शेयर्स जो हैं, वो 1,92,00,000 शेयर आप क्लियरली यहाँ पे देखिए, शेयर्स LIC ने जो है सेल किए हैं अभी की डेट में। ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है सामने, चलिए जानते हैं। और एशियन पेंट का अगर आप शेयर देखो तो लगातार गिरावट की मार झेल रहा है पिछले कुछ दिनों में, यही उसका कारण है। और आने वाले टाइम में और भी गिरावट आ सकती है इन शेयर सेल की वजह से। चलिए जानते हैं एशियन पेंट के बारे में डिटेल, टेक्निकल एंड फंडामेंटल, और LIC ने जो शेयर किए हैं सेल, और कितना परसेंट अब LIC का होल्डिंग हो चुका है, उन सब पॉइंट्स को देख हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अभी के टाइम पे अगर एशियन पेंट्स का शेयर का प्राइस देखें तो 1,363 रुपए के आसपास है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप की ये कंपनी है। P/60, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 24%, सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूंगा फंडामेंटल स्ट्रांग है एशियन पेंट के। इवन सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 से 10.5% का सेल्स ग्रोथ है, ना के बराबर कंपनी के ऊपर डेट है 627 करोड़, ना के बराबर डेट कहूंगा मैं इन कंपैरिजन टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंट्रिंजिक वैल्यू 1,800 के आसपास, प्रमोटर की होल्डिंग 52% की प्रमोटर की होल्डिंग है। चलिए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन जो चीज़ मेजर है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कमाती है, मार्च क्वार्टर में 473 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था, जो कि लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर से थोड़ा कम था और क्वार्टरली बेसिस पर भी थोड़ा डाउन था। तो यही इसका पिछले यानी कि जून 2016 के बाद के क्वार्टर्स में 400, 500, 600 यही जो है प्रॉफिट इतना ही करोड़ों में आ रहा है। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ उभर के सामने आई है वो ये देखिए, LIC ट्रिम्स स्टेक इन एशियन पेंट्स बाई 2%। 2% यानी कि 1,92,00,000 49,000 शेयर्स जो हैं वो ओपन मार्केट में बेचे हैं, लेकिन अभी वो जो सेल की वैल्यू है कि कितने करोड़ के शेयर्स ये बेचे हैं, कितने करोड़ रुपीज़ के शेयर्स बेचे हैं, वो अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जो अमाउंट आया है, नंबर ऑफ शेयर्स बेचे हैं, वो सामने आया है। अब जो LIC का होल्डिंग रहेगी वो 3% रहेगी, पहले 5% थी, ये क्लियरली अभी पता चला है। अब एशियन पेंट्स की आपने डिटेल तो देख ली, अगर टेक्निकल लेवल पे एशियन पेंट को देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन ये शेयर, मैं कहता हूँ, ये मानता हूँ, देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जा रहा था। अगर आप 2014 के हिसाब से इस शेयर का वैल्यू देखें तो 400 रुपये का शेयर, देखिए एक बार अभी जो इसने नया लेटेस्ट हाई बनाया था अप्रैल के टाइम पे, वो 1,500, 1,525 के लेवल का बनाया था, बिल्कुल उसी अपनी जो है टॉप की बाउंड्री थी इसकी, वहीं से वापस आया है। जो टॉप की इसकी बाउंड्री थी जहाँ तक गया था, वहाँ से वापस ये आया है, टच करके नीचे आया, और 13 मई 2019 को इसने लो बनाया था 1,291 का, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, अब फिर से लो बनाएगा और देखते हैं कि कहाँ इसका सपोर्ट है। अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ तो मुझे जो सपोर्ट दिखता है वो 1,240 से 1,230-40 की रेंज में सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और एक आपके लिए एंट्री का मौका हो सकता है। लेकिन अगर हॉरिजेंटल सपोर्ट की बात करूं, और अगर अगर इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ता है तो नीचे का जो सपोर्ट बिल्कुल बैठा यहाँ पे है वो है 1,120 के आसपास, इस रेंज में भी शेयर आ सकता है, ये ध्यान रखिए। और अगर इस लाइन को भी ये तोड़ देता है तो नीचे एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसके इसका जो अवेलेबल है, और वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 1,000 रुपीज़ के आसपास। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, इन तीन सपोर्ट्स को, और गिरावट जो है ऑलरेडी इसमें चल रही है अभी के टाइम पे, बिल्कुल क्या रीज़न है वो आपने देख लिया। अगर एशियन पेंट्स को आप देखें, आज की डेट में मार्केट ने अच्छा जंप दिया था, 300 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला था, लेकिन एशियन पेंट्स 13 रुपये डाउन होके बंद हुआ था। और वहीं पे अगर मैं इसके डिविडेंड की बात करूं तो टाइम टू टाइम डिविडेंड देता है, इस बार भी 7 रुपये 65 पैसे का डिविडेंड दिया था इसने जून में, जो कि मई में डिक्लेयर किया था, और 2003 में लास्ट बोनस इशू किया था। अब शेयर की अगर प्रोमोटर की बात करें तो देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखूँ मैं यहाँ पे तो सबसे बड़े प्रोमोटर होल्डर, बहुत सारे प्रोमोटर होल्डर इसमें हैं, और सबसे बड़ा अगर प्रोमोटर देखा जाए तो देखिए, जैसे सुधानवा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी, ये प्रोमोटर हैं, 1.98% इनकी होल्डिंग है। गीतांजलि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इनका 5.14% की होल्डिंग है, लेकिन शेयर्स बहुत लोगों ने गिरवी रखे हैं। ये देखिए, बहुत सारे प्रोमोटर हैं 5-5% होल्डिंग के साथ, लेकिन सब ने गिरवी रखे हुए हैं शेयर। ये एक काफ़ी नेगेटिव फैक्टर यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि गिरवी रखे हुए एशियन पेंट्स के शेयर भी।
और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं देखूँ, LIC के पास 5 करोड़ शेयर्स थे और उन 5 करोड़ शेयर में से ऑलरेडी ये 2 करोड़ के आसपास बेच चुकी है और यहाँ पे अब ये 3% की होल्डिंग इसकी हो गई है। और वहीं पे तीस्ता रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के पास 4 करोड़ 70 लाख के आसपास के शेयर अभी भी अवेलेबल हैं। चलिए, और कौन से FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास भी थोड़ा बहुत शेयर्स हैं। ये देखिए, ये 2 बड़े शेयर होल्डर यहाँ पे थे। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एशियन पेंट में बिकवाली का शेयर सेल किया है LIC ने। वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।